सो गाइस आ जाओ, बेस्ट लैपटॉप्स बता रहा हूँ जिनमें आप कोडिंग प्रोग्रामिंग कुछ भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सारे सॉफ्टवेयर्स रन करोगे एंड यहाँ पे अगर आपका बजट शुरू हो रहा है 30,000 से तो बेस्ट डील्स लेके आया हूँ आपके लिए। और यहाँ पे 50-60 सब रेंज के लैपटॉप बताया हूँ, बस आपको करना है वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पे लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से चेकआउट करोगे तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो आइए गाइस बात करते हैं इन्हीं लैपटॉप्स के बारे में। सो गाइस पहले लैपटॉप की तरफ बढ़ते और यहाँ पे बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स के बारे में पहले बात कर लेंगे। और मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट रह चुका हूं, तो यहां पे आपको काफी अच्छे लैपटॉप्स बताऊंगा जिसमें कि आप कोडिंग काफी इजीली कर सकते हो। यहां पे Lenovo का IdeaPad Slim 3 मिल जाता है जिसमें कि आपको i3 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है और आपको फुल एचडी 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में डिस्प्ले मिलती है। तो काफी अच्छा प्रोसेसर है, यहां पे काफी इजीली आप कोडिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और इसमें जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स होते हैं विजुअल स्टूडियो और या फिर विजुअल कोड, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे VS कोड वगैरह आप रन कर सकते हो। यहाँ पे Adobe Photoshop वगैरह भी काफ़ी इजीली से चल जाएगा। इसमें 8 GB रैम, 512 GB की SSD नहीं है, 256 GB की SSD, ये थोड़ा गौर करना। बाकी आपको Office 2021 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा पैकेज ये लैपटॉप बन जाता है। बैंक्स का ऑफर अलग से चल रहे होते हैं तो उसको ऐड करना ना भूलना ताकि आपको और डिस्काउंट देखने को मिले। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फिलहाल सभी लैपटॉप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस टेक्नो मेगाबुक T1 आता है। सो यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको 30,000 रुपीज़ के अंदर में कोई अच्छा खासा दिखने वाला लैपटॉप चाहिए जिसमें हाई स्टोरेज और हाई रैम हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट डील बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे i5 का 11 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, तो इसमें आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर काफ़ी इजिली से रन कर सकते हो। बाकी 16 GB रैम मिल जाता है तो फ्यूचर प्रूफ बन जाता है, तो आपको तुरंत एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। 512 GB की SSD भी मिल जाती है और 15.6 इंच का डिस्प्ले भी है, तो यहाँ पे बड़ी स्क्रीन के साथ आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो अपना काम, जो कुछ भी आपको करना है। बाकी यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ भी मिलेगा और बैंक्स के ऑफर अलग से चल रहे होते तो उसको ऐड करोगे तो और डिस्काउंट देखने को मिलेगा। .30,000 रुपीज़ में आपको बेस्ट डील ये देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते गए थोड़ा सा बजट हम लोग बढ़ाते हैं। 40,000 रुपये के आसपास अगर आपको कोई बेस्ट लैपटॉप देखना है कोडिंग के लिए तो Asus का VivoBook 15 आता है। अब VivoBook सीरीज़ है तो इसका लुक और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा होने वाला है, ये अलग से आप पहले से ही लिख के रख लो। यहाँ पे i3 का 12 जनरेशन का P सीरीज़ का प्रोसेसर मिल जाता है। तो यहाँ पे पहले U आता है जो कि इनिशियल स्टेज पे होता है, P बीच का होता है, H सीरीज़ काफ़ी आपको हाई एंड प्रोसेसर्स में देखने को मिलता है गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह में। तो P सीरीज़ है वेल इनफ, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर भी मिलेगा। फुल HD डिस्प्ले मिलेगी 15.6 इंच का, 8 GB रैम, 512 GB की SSD। बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, आप इसमें काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे बढ़ते गाइस थोड़ा सा बजट को पुश करते हैं। यहाँ पे गाइस अगर 60,000 रुपये के आसपास अगर आपका बजट है तो यहाँ पे एक और Asus का VivoBook लैपटॉप आ रहा है। इसको कंफ्यूज मत कर जाना गाइस, बहुत सारा यहाँ पे लैपटॉप्स आता है एक ही नाम के अंदर, तो उसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इंटेल कोर i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा H सीरीज़ का, जो कि मैं अभी बात कर ही रहा था। तो यहाँ पे H सीरीज़ का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा, 15.6 इंच का डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले, 16 GB की रैम भी आती है और 512 GB की SSD। तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है अगर आप एक स्टूडेंट हो। नेक्स्ट ऑप्शन के पास जाते हैं गाइस MSI का मॉडर्न 14। 50,000 या 55,000 रुपये का अगर आपका बजट है और आपको एकदम बेस्ट प्रोसेसर चाहिए इन मार्केट, तो i7 का 12 जनरेशन का U सीरीज़ का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे इसके साथ में i7 का। तो परफॉर्मेंस आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा ही लो। बाकी 16 GB रैम भी है, 512 GB की SSD है, तो एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है तुरंत, तो यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है। और लैपटॉप का यहाँ पे डिस्प्ले जो है ये 14 इंच के मॉडल में आता है, तो कॉम्पैक्ट साइज़ का अगर डिस्प्ले ढूंढ रहे हो तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज यहाँ पे 50,000 रुपये से थोड़ा सा ऊपर, 60 के थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे Asus का टफ गेमिंग लैपटॉप F15 आता है। यहाँ पे आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। बाकी i5 का 11 जनरेशन का प्रोसेसर है H सीरीज़ वाला, 15.6 इंच का डिस्प्ले है और आपको 144Hz का डिस्प्ले मिलता है। सो हायर रिफ्रेश, ग्रेटर रेस्पॉन्स टाइम, तो यहाँ पे ये अंदाज़ा आप लगा लो। बाकी आपको RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, तो ग्राफिक्स रिलेटेड काम भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। 16 GB की रैम भी है, 512 GB की SSD है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए ये चीज़, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते गए एक और बार Lenovo का Slim 3 आ रहा है। यहाँ पे आपको देखो तो i5 का 12 जनरेशन का H सीरीज़ का प्रोसेसर मिल जाता है। 55,000 रुपये में अगर आप मुझसे पूछो कौन सा बेस्ट लैपटॉप है और हमको गेमिंग करना है, कैजुअल गेमिंग करना हो या फिर आपको कोडिंग करना हो, अगर आप स्टूडेंट हो
तो ये मैं सजेस्ट करने वाला हूँ आग बंद करके। 16 GB के रैम के साथ में आ जाता है तो फ्यूचर प्रूफ यहीं पर हो गया। 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, और IPS डिस्प्ले तो क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। और आपको ऑफिस 2021 का सपोर्ट है, बैकलाइट कीबोर्ड है, 3 महीने का गेमिंग पास है, एलेक्सा बिल्ट इन है, और क्या चाहिए एक लैपटॉप से। बेस्ट डील है गाइस, इसको खरीद सकते हो आप। नेक्स्ट ऑप्शन के पास जाएंगे अब गाइज, लेनोवो योगा स्लिम 6 काफ़ी यहाँ पे अच्छा लैपटॉप है। 60,000 रुपये का थोड़ा सा ऊपर अगर आपका बजट है तो यहाँ पे आपको इंटेल का ईवो प्लेटफॉर्म के ऊपर लैपटॉप देखने को मिलेगा। तो ईवो प्लेटफॉर्म के अलग से बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे फुल HD वेबकैम, हायर अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, हायर बैटरी लाइफ मिलेगी, तो बहुत सारे आपको अलग से फीचर्स मिलते हैं। तो i5 का 12th जनरेशन का पी सीरीज़ का प्रोसेसर है, और इसमें आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा 2.2K का, 300 nits की ब्राइटनेस है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, और लैपटॉप काफी झकास से। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, खरीदना है खरीद सकते हो अगर आपका बजट 60 से थोड़ा ऊपर है। एक और ऑप्शन बताना चाहूंगा, अगर आपका बजट 60,000 रुपीज़ के आसपास है तो लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप आता है। विद कैजुअल गेमिंग आप इसमें काफ़ी आराम से कर सकते हो। राइजन 5 का आपको 6600H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, 15.6 इंच का डिस्प्ले है, 120Hz का डिस्प्ले है तो अच्छी बात है, 16 GB रैम, 512 GB की SSD और RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है इन प्राइस रेंज ऑफ 60,000 अगर आपको गेमिंग भी करना हो थोड़ा मोड़ा, और कोडिंग या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ भी करना हो काफ़ी आराम से ये हैंडल कर लेगा। सभी लैपटॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू चेक इट आउट। सो गाइस, एज यूजुअल मैंने अपना काम कर दिया, सारे लैपटॉप्स दिखा दिए जो कि बेस्ट इन मार्केट है इन प्राइस पॉइंट, अगर देखो तो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।